जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन या जो भी काम के डिटेल्स होती है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लोगों तक शेयर भी करें। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरीके से जो हमारे पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोगों से बर्ताव करते हैं, और उसकी जब वीडियो डालने के बाद और उनसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने रिप्लाई दिया, फिर भी किस तरीके से बात की जाती है। जब कोई आदमी आपको कॉल करता है तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती है। जब भी कभी आप अपने काम से मुकर जाते हैं तो आम पब्लिक की ज़िम्मेदारी होती है कि आप अधिकारियों को भी ये काम बताना, क्योंकि आम पब्लिक ने ही आपको इस कुर्सी पे बिठाया है, आप इस पद पर बिठाया है। अगर आम पब्लिक ना होती तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं होती, ना तो आपको ये काम मिलता, ना तो इसके ऊपर किसी की ज़रूरत होती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पुरातत्व विभाग है, ये पुरातत्व विभाग की जो निर्मित हुई है, ये पुरातत्व विभाग इसलिए बनाया है ताकि ये हेरिटेज का जतन करे, हेरिटेज को बचाए। जब हम इसको प्रयास करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं ये सब चीज़ें, तो अक्सर में ये जो अधिकारी वर्ग है, ये अधिकारी वर्ग जानबूझकर इसको इस बात को दखलअंदाज करते हैं, इसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि ये हेरिटेज बचाने की जो हमारी मांग है ये लगभग आज से नहीं तो लगभग पुरानी मांग है। और इसके लिए हम हमेशा की तरह इन्हें कांटेक्ट कर इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट जितने सारे हेरिटेज है, ये सारा बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है वो पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। अगर जब ये आपके अंडर में आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका प्रिजर्वेशन करें और इसका संवर्धन करें, इसको बचाया जाए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और इसकी ये जिम्मेदारी आपने स्वीकार कर ली है, इसलिए आपके इसके ऊपर काम करना है। हमारे जो लेनी संवर्धक है प्रशांत माली सर, इनके और उनकी जो मुंबई सर्कल के अधिकारी है राजेंद्र जी यादव, इनसे बात हुई है। और इस बात में जिस तरीके से जो अधिकारी बात कर रहे हैं उनका अंदाज आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि हमने इतने दिनों से इनको मेल किए हैं, मेल करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है, तब जबरन हमें कॉल करना पड़ता है कि आप जब हम इतने मेल आपको कर रहे हैं, मेल फॉरवर्ड मेल आपको भेज रहे हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। जब ये बात करने के लिए फ़ोन किया गया, ये जवाब पूछने के लिए फ़ोन किया गया, तो जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है कि आपको आप किसको कंप्लेंट करना है उसको कंप्लेंट कर दीजिए आप किसको, जब ये ज़्यादा हो गया, जब ये लोगों के सामने हमने रखने की कोशिश की है, आप ये वॉइस क्लिप सुन सकते हैं। मैं आपको वॉइस क्लिप सुनाने की कोशिश करता हूँ, आप ये वॉइस क्लिप ज़रूर सुने। देखिए किस तरीके से यहाँ के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो बात करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारे हेरिटेज बचाने की, वो हेरिटेज बचाने वाले आदमी किस तरीके से बात करते हैं, इसका एक उदाहरण है आपके सामने और ये आप देख सकते हैं। बोलिए, आपके पास जो ईमेल आ रहा है तो उसका आप रिप्लाई तो देना चाहिए ना। आप ऐसा ऐसा बात करें, जो करने का वो करो, कंप्लेंट करो, ये ऐसा बात मत करो। आप देखिए दो चीज समझने, आवाज ऊंची करके एक तो बात मत करिए। आवाज ऊंची करके बात नहीं कर रहे सर, सुनिए आपका सुनिए मिस्टर माली। हाँ जी, देखिए आप आम जनता है या जनप्रतिनिधि है, कोई भी है, किसी को ऊंची आवाज में बात करने का जरूरत नहीं है। मैं संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बात कर लिया, आपने संवैधानिक तरीके से आपने रिप्लाई दिया नहीं। आप क्या बोले कि आपको जो करना है वो करो, ऐसा बात मत करो। मैंने क्या कहा आपको, मैं समझा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने कहा सर, लेकिन मैं यही बोला कि आपने इतना मतलब इतना हमारा ईमेल आ रहा है तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे आप। देखिए सीधा सीधा बात करें कि जो करने का करो, कंप्लीट करने का करो, ऐसा बात मत करो सर। मैं हम लोग कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। आप रखिए फोन रखिए। तो दोस्तों आपने सुना रहेगा, ये जो अधिकारी है इनको हमारे लेनी संवर्धक टीम के प्रशांत माली सर है, इन्होंने कांटेक्ट किया है और इन्होंने ये बताया कि हम आपको मेल भेज रहे हैं और इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो इनका जवाब ये था कि आप जिसको कंप्लेंट करना है उसको कर दीजिए, हमारे पास मेल आया ही नहीं वगैरह वगैरह। और तुरंत ये सब होने के बाद उनका रिप्लाई आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये मेल देखते नहीं हैं और आप ना ही इसके ऊपर, जब ये बात उन्होंने कहा कि किसको कंप्लेंट करना है उसे करो, तो फिर हमारे जो लेनी संवर्धक है उनका आवाज़ बढ़ना लाजमी है, बढ़ना ही है,
क्योंकि इस तरीके का बर्ताव अगर कोई अधिकारी करता है, जिसकी जिम्मेदारी से अगर वो जिम्मेदारी भूलता है, तो उसको जिम्मेदारी याद दिलाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उसी जिम्मेदारी को निभाते हैं और निभाने के लिए हमने उन्हें कॉल पर ये बात बताई है, तो उन्हें ये समझ में आया होगा। इन्होंने लास्ट में जिस तरीके से बात की है, तो ये पुरातत्व विभाग के अधिकारी इनको याद रहना चाहिए कि जो हम आपके साथ में काम करने कर आपको कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये कतई मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बौद्ध लोग कतई इसको इस तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। बौद्धों के पास बौद्धों का कोई स्मारक नहीं है उसको जतन करने के लिए, उसको बचा सके। सारे बौद्धों के मॉन्यूमेंट वो पुरातत्व विभाग के अधीन है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने जो पत्र व्यवहार किया, उन्होंने हमें एक लेटर भेजा एबीसीपीआर टीम को, वो आप देख सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर वो पत्र व्यवहार है, यानी कि उन्होंने हमें मेल पर भेजा है। और खास तौर पर एक बात, हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसरों को कि 15 सालों से इतने सारे लोगों का आपके पास निवेदन आ रहा है, आपको हमेशा के लिए हमेशा इसके ऊपर इसको निरंतर इसको दुर्लक्षित कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जिस तरीके से पत्र इसके, मैं आपके पहले वीडियो में हमने देखा था कि इनके पहले ऑफिसर ने पत्र व्यवहार किया था, उन्होंने काम का अप्रूवल दिया, इन्होंने ये पत्र की मेजर जो वर्क है वो अभी हम कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि वो लेनी गिर जाएगी तभी आप इसका काम करेंगे। अंदर लेने में लीकेज है, वाटर पूरा पानी लेने में अंदर आता है, जिसकी बदौलत लेने की हानि हो रही है। क्योंकि अंदर पानी आने से जो पत्थर है, 4 महीना कंटिन्यूसली बारिश का पानी अंदर पत्थर पर गिरता है, उस पत्थर धीरे धीरे खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। लेनी का धार्मिक अस्तित्व क्या है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी धार्मिक भावना है वो भावना है, और बौद्धों की धार्मिक भावना ये भावनाएं नहीं है। इस तरीके का जो इनका बर्ताव है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सारा अच्छा मॉन्यूमेंट जहाँ पर असंख्य शिलालेख है, तो यहाँ इस शिलालेखों का केमिकल प्रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि ये और अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो सके। यहाँ का लेने का वाटर प्रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि यहाँ पे लीकेज की वजह से यहाँ पे काम हो सके। उसके बाद लेने को दरवाज़ा होना चाहिए ताकि बाहर के लोग अंदर उसमें जाकर कुछ गंदगी ना कर सके, वहाँ पर वो अश्लीलता फैलाते हैं वो काम ना कर सके। लेने को गेट होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए, ताकि बाहर के लोग जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर लोगों को पता चले कि ये राष्ट्रीय स्मारक है और इसका हेरिटेज को जतन करने की जिम्मेदारी है। लेने को कौन सा गेट नहीं है, लेने पर कौन सा बोर्ड नहीं है, लेनी में क्या है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये लेनी जो है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तला तहसील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितनी बात ये मंदिर को समझते हैं, उतनी कई इंफॉर्मेशन इस लेनी में होती है। एक और मंदिर को ये लोग जितना ज़्यादा केयर करते हैं, उतना तो केयर ये लोग बौद्ध लेनी पे करते नहीं है। आपको पता होगा पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की जो विट्ठल की मूर्ति है, उसका तो ये केमिकल प्रिजर्वेशन हर बार करते हैं, लेकिन भारत सरकार के पास बौद्ध लेनियों का प्रिजर्वेशन करने के लिए फंड नहीं रहता है। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने क्यों ली है, ये सवाल तो जनता से उठाया जाएगा, बौद्ध लोगों से ये सवाल तो उठाया जाएगा। और ये आस्था का सब्जेक्ट है, अगर बौद्धों को आस्था है, मेरी विनती है, अगर बौद्ध लोगों को आस्था है तो इसके ऊपर सवाल उठाओ, इनका जवाब मांगो, तभी तो ये हमारा हेरिटेज जतन होगा। एबीसीपीआर लेनी संवर्धकों की टीम अपनी तरीके से काम कर रही है, इन पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को पीछे लगकर ये काम कर रही है। जनता का अगर सपोर्ट इनको मिलता है तो ये जल्द ही जल्द बहुत सारे काम हो सकते हैं। और बौद्ध अनुयायियों को मेरी निवेदन है कि ऐसे पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को यहाँ से, यानी कि इस सर्कल से हटाकर उनकी दूसरे सर्कल में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन अगर वहाँ पर भी वो काम नहीं करते हैं तो उन्हें फौरन इनके ऊपर कार्रवाई कर इनको निलंबित किया जाए, ऐसी इस तरीके से मांग होनी चाहिए। और बौद्ध धम्म की भावनिक आस्थाओं का इन्होंने विडंबन किया है, धार्मिक आस्थाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि बौद्धों को कोई अस्मिता ही नहीं रहती है, बौद्धों को कोई आस्था नहीं होती है, बौद्धों का धार्मिक महत्व कोई है नहीं, इसके लिए इनकी ये इस तरीके का काम करते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप ये ऑडियो सुनने के बाद अगर आपको लगता है तो बौद्ध धम्म की विरासत के लिए इनको जवाब पूछने की कोशिश कर लीजिए। अगर इनका जवाब नहीं आता है तो
जितने सारे मॉन्यूमेंट्स इनके अंडर में है वो तुरंत निकालकर बौद्धों के धार्मिक संस्थाओं के पास आनी चाहिए, तभी इनको पता चलेगा इनका पर्यटन का रिवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो इन्हें भी पता है। बौद्ध लेनी से इनको फंडिंग मिलती है, वो फंडिंग ये लोग अपने बौद्ध लेनी के ऊपर न लगाते हुए ये लोग किसी और जगह पर काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें जवाब पूछना पड़ेगा, हमें इनसे हर एक बात के लिए पूछना पड़ेगा। अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आप इसका प्रिजर्वेशन करने की कोशिश ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसे पुरातत्व अधिकारियों को पीछे लगकर ये काम करवा कर ले। ABCPR टीम तो काम कर रही है, आप भी इसके साथ जुड़ जाइए। ABCPR लेनी संवर्धक टीम से जुड़ने के लिए ये जो सामने आपके ऊपर वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन अस का फॉर्म भरो और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज बचाने की मूवमेंट है ये बढ़नी चाहिए और इन लोगों को बौद्ध धम्म के आस्थाओं पर काम करने की ज़रूरत होगी। बौद्ध धम्म की आस्थाओं को इनको विचार में लाना पड़ेगा, इनका विचार करना पड़ेगा और ये हमारा धम्म है, इसको लोगों के सामने लाने की ये मॉन्यूमेंट है, तो ये लोग इसको ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप भी इसको हमारे इस मिशन में शामिल हो जाइए और ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, मैं फिर भी ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरातत्व विभाग के अधीन हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स है और हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स में इसी तरीके से नज़रअंदाज किए जा रही है। तो ऐसे नज़रअंदाज करने वाले सभी अधिकारियों के ऊपर आप तुरंत केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी ये भूल रहे हैं और यही लोग बौद्ध लेनी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए पुरातत्व के अधिनियम के अनुसार इनके ऊपर दो साल की जेल और 1,00,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, तभी इनको समझ में आएगा कि असल में क्या है। केवल यही है, सिर्फ वही लोगों का काम नहीं कि जो भी लोग इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पुरातत्व का अधिनियम है और इस पुरातत्व अधिनियम का पालन करने के लिए आपकी जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप अगर इनको सवाल पूछेंगे तभी ये काम करेंगे, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं इसके लिए तो हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स आज दुर्लक्षित पड़े हैं, नष्ट हो रहे हैं। कई साल यहाँ से बौद्ध धम्म की विचारधारा दुनिया भर पहुँची, आज वही बौद्ध धम्म की विरासत धूल मिट्टी में पड़ी हुई है। इसके जिम्मेदार हम है ही, उसके साथ ये ज़्यादा है क्योंकि इनके अंडर में ये सारे मॉन्यूमेंट्स है। आज बौद्धों की धार्मिक संस्थाएं या बौद्धों की जितनी सारी संस्था है अपने अपने विभाग के लेनियों का जतन कर सकती है। अगर पुरातत्व विभाग ये कहे कि हमें ये जिम्मेदारी नहीं करनी है, हमें जिम्मेदार नहीं, हम ये लेनी को नहीं जतन कर सकते, तो वो लिखकर हमें दे दे। ABCPR लेनी संवर्धक टीम पूरे भारत महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में जितने सारे बौद्ध धरोहर है इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार, काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और ये काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरे आपसे निवेदन है कि दोस्तों अगर ये लोगों के इस तरीके से बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लिए और ऐसे अधिकारी के ऊपर ज़रूर कार्रवाई कर लीजिए। पिछले वीडियो में तो हमने उनका नंबर भी दिया था, आज भी नंबर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, उनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि आप क्यों इसको नज़रअंदाज कर रहे और आपकी मनीषा क्या है, चाहते क्या है आप कि बौद्ध धम्म की विरासत नष्ट हो जाए, यह आपका मंसूबा है तो उसी तरह से हमें बता दिया जाए। और बौद्ध धम्म के अनुयायियों को विनती है कि आप इसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये था हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे ही वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में सही मायने में इसको अगर समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से हम जो लोग आपको बताने की कोशिश करें तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा बातें लोगों तक शेयर हो जाएगी। तो आपसे मेरी विनती है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें और दोस्तों ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग भी ये पहचान सके कि किस तरीके से ये अधिकारी बातें करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस अधिकारी को कॉल कर ज़रूर पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। तब तक आप सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय और वॉइस ऑफ बुद्धिज्म से आप सभी को सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कॉर्नर का बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन पाएंगे और सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।